गाइस आपको पता है एडम चचा को क्यों ऐसे मतलब चड्डी बनियान में रखा जाता है, क्यों इनको पीरो मानुस नहीं बनाया जाता है? तो गाइस आज हम सबको गलत साबित करेंगे, मतलब ऐसे मतलब चड्डी बनियान में नहीं रखेंगे एडम चचा को। आज हम इस वीडियो के अंदर एडम चचा को गाइस पूरा का पूरा पीरो मानुस बनाएंगे, देखते हैं इनका लुक कैसा मैं बना सकती। गाइज यहाँ पे एडम चचा को हमने बढ़िया सा पीरो वाली लुक्स तो दे दिया है, अब इसी के साथ हम जो है यहाँ पे सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम खेलेंगे। गाइज देखते हैं इस गेम के अंदर क्या रहता है। एंड अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो गाइज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे रख लेना, ताकि आपके मन में भी घंटी बजते रहे और मोबाइल में भी घंटी बजते रहे, ठीक है गाइज। तो गाइज यहाँ पे मैच स्टार्ट हो चुका है और हम लोग लैंड करेंगे पिक पे, क्योंकि पिक में बहुत सारे बंदे आते भी हैं और इधर कवर वगैरह लेने के लिए भी जगह होती है, साथ ही साथ अच्छी लूट भी मिल जाती है। मतलब सोलो वर्सेस स्क्वाड में ज़्यादातर बंदे यहीं पे उतरते हैं और मेरा भी फेवरेट जगह यहीं पे है। और दूसरा भी जगह आ गया क्लॉक टावर, बट इस बार मेरे को उतरने का मन करा यहाँ पिक पे, और यहाँ पे मेरे को VSS गन मिल चुका है। सामने की तरफ बहुत सारे बंदे हैं, VSS ने थोड़ा सा मैंने डैमेज दे दिया, एक बंदे को यहाँ पर नॉक कर दिया है और दूसरा भी बंदा आ रहा है इधर ही उसको भी पड़ा गोली। गाइस दो बंदे तो मर गए, ये बंदा भी डाउन हो गया था और उसको भी मैंने पूरा यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। M14 भी गन मेरे को मिल चुका है यहाँ पे, बट इसका अटैचमेंट जो है यहाँ पे नहीं मिला है मेरे को, कोई दिक्कत वाली सीन नहीं है। गाइस और भी बंदे हो सकते हैं, सामने की तरफ बहुत ज़्यादा जो है बैटल चल रहा था गाइस, और नीचे की तरफ एलसेप में शायद वहाँ पे भी बैटल हो रहा है, वहाँ पे भी जाएंगे हम पीरो एडम को लेके। बट यहाँ पे मेरे को डबल डोर से मतलब बंदा झांक रहा था, मारने की कोशिश में था, बट यहाँ पे मैंने गाइस VSS से काफ़ी बढ़िया वे में हेडशॉट मार दिया है। तो यहाँ पे मैं जो है गाइस ड्रैगन ऑफ ले लूँगा, ड्रैगन ऑफ से वन शॉट मारने की या कोई भी शॉट मारने की ट्राई करेंगे, क्योंकि ड्रैगन ऑफ बहुत ही मस्त रहता है गाइस, दो चार गोली में तो बंदे को ख़त्म कर ही देता है और रिकॉइल भी उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो ड्रैगन ऑफ जो है गाइस OP वाला गन है, थोड़ी समय हम ये गन को भी चलाएंगे, जो भी गन मिलते हैं इस मैच के अंदर वो सभी गन हम लोग इधर चलाएंगे। ओहो ये बंदा ऊपर मैंने डाउन किया था इस बंदे को, इस पता है आप लोगों को, ये देखो किल चुराने की कोशिश कर रहा था सामने वाला बंदा ये होने नहीं देंगे, हमारी किल चुराओगे बेटा बेटा, मन में लड्डू फूटा ऐसा सोच रहा था होगा भाई, मतलब जैसे कि डाउन वाला बंदे को देखते ही भाई, ऊपर से बंदा वो कवर में था, ऊपर नीचे क्यों आया होगा कोई बता सकते हो? और गाइस इस घर के ऊपर भी बंदा है, मैंने ग्रेनेड फेंकने की तो ट्राई किया, ग्रेनेड फेंका भी बट बंदे को नहीं लगा, शायद वो बंदा नीचे आ गया ऐसा लग रहा है, नीचे भी कोई बंदा दिख रहा था मेरे को गाइस। तो यहाँ काफ़ी बंदे, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा बंदे जो है यहाँ पे पिक पे लैंड किए हैं गाइस। इस बार मेरा टोटल 5 किल्स हो चुका है उतरते ही, ऊपर वाले बंदा है, एक बंदा वो मतलब टूटे फूटे हाउस पे है, देखते हैं क्या होता है गाइज यहाँ पे सीन। और इसका बैकपैक देख रहे हो गाइज, एडम चचा के पीछे की बैकपैक ऐसी लग रही एंग्री बर्ड होता है ना, एंग्री बर्ड गेम किसी ने खेला है या मूवीज होते हैं एंग्री बर्ड्स की, मूवी देखा है किसी ने, वो वाली दिख रही है देखो, मतलब ऐसे मतलब चड्डी भी पहना दिया है, मतलब मस्त वाली बैकपैक है यार गाइज, मज़ा आ गया गाइज। ये लुक्स कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना गाइज, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। अरे सामने की तरफ बंदा देखो गाइज कहाँ जा रहा है, उछल उछल के जा रहा है, इसके आगे चलते हैं गाइज हम लोग। तो गाइज सामने की तरफ ऑलरेडी बैटल चल रहा है, यहाँ पे हम चांस पे डांस मारेंगे, एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया, दूसरा भी बंदा आ गया, अरे भाई रुक जा भाई, हेल्थ डाउन कर दिया भाई, धड़ाधड़ मार रहा है, ओ भाई कहाँ कहाँ जा रहा है ये, क्या हो रही है ये, अरे 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 मेरे पास वॉल भी नहीं है, अरे भागना पड़ेगा बाबा, रुक जा भाई रुक जा, मैं डर गया भाई, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दे, मैंने गलती से तेरे पार्टनर को डाउन कर दिया। भाई बंदा तो पूरा गुस्सा में आ गया गाइस, मतलब हम हल्के में ले रहे थे, बंदा मतलब मेरे को ठोक देता गाइस, इधर से घूम के जाते एक बंदा बचाने के लिए, ओए अपने पार को मारे किसको मार रहा है, मेरी किल चुराने की कोशिश कर रहा है, दूसरा भी बंदा आ गया गाइस, दोनों को ख़त्म कर दिया। ओके ये लोग दूसरे लोग थे, वो किल भी नहीं चुराया उस बंदे ने, पता नहीं क्या सीन है भाई एक लड़की भी है यहाँ पे, ओके उधर दिख रही थी ये लड़की, भाई साहब हम इधर ही थे गाइज, एक और बंदा आ रहा है सामने की तरफ से देख रहे हो। A few moments later. तो गाइज जो बंदा था ये काफी नजदीक आ चुका है, यहीं पे आ चुका है, मैंने थोड़ा सा डैमेज दे दिया, भाई साहब मैं इधर पीछे निकल चुका हूँ, भाई साहब एक ही जगह से मतलब धड़ाधड़ देना चाहते हो हैं, हल्के में ले रहे हो, सबर करो भाई, रुको जरा हम तुम्हारा खोपड़ी खोल लेते हैं पहले,
तो इधर टोटल मैंने 9 किल कर लिया गाइस। यहाँ पे जल्दी से जल्दी जाते हैं और भी बंदे ढूंढते हैं और भी ज़्यादा किल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इधर ड्रैगन ऑफ को चेंज कर लेते हैं गाइस। ड्रैगन ऑफ उतना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है अभी मेरे को सबसे ज़्यादा पता नहीं क्यों ये मेरा प्रिफरेंस केस है, आई डोंट नो, बट मेरे को सबसे ज़्यादा पैराफल अच्छा लगता है गाइस। एआर गन में कौन सा अच्छा है टोंडे भाई आपके लिए बोलोगे तो मेरे को पैराफल अच्छा लगता है गाइस। बिना इसमें स्किन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना मस्त गन है गाइस। इसका जो है ना मेन इसमें खासियत क्या है बता दूं मैं, इसमें एक्यूरेसी है गाइस, एक अलग लेवल की एक्यूरेसी। मतलब रिकॉल इतना कम होता है ना क्या ही बोलूँ मैं, जैसे कि मैं और मतलब हेडशॉट भी इतना अच्छे से चिपकता है क्या ही बोलूँ। सामने एक बंदा है, थोड़ा सा मैंने डैमेज तो दे दिया, बंदा नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था बट इधर मैंने नॉक कर दिया उसको, जाके पूरा फिनिश कर लेते हैं गाइज। उसके बाद में अपन का किल हो जाएगा 10 किल। इंडियन गेमर्स ने यहाँ पे मेरे को सब्सक्राइब किया है और उनका नाम डिस्प्ले पे आया गाइज। अगर आप भी सब्सक्राइब करते हो ऐसे नाम आएगी चल झूठा गाइज। ऊपर वाले बंदे को पूरा ख़त्म करके यहाँ पे आ गया। जिस तरीके से वो लड़की लोग भाग के इधर आ रहे हैं गाइस, मेरे मन में एक अलग सा फीलिंग आ रही है गाइस। वो फीलिंग मैं बताऊं क्या है, जिस तरीके से ये लोग बिहेवियर कर रहे हैं मेरे को फीलिंग आ रही है गाइस, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। इसीलिए गाइस बैटल करना ही सही है, टीम अप तो हो नहीं पाएगा इनसे। एक बंदी को तो मैंने नॉक कर दिया, दूसरी बंदी गाइस उस टावर के मतलब वो जो ड्रॉप है ना उसके पीछे जाके बैठी है, वो दिख नहीं रही। अरे ड्रॉप के पीछे भी नहीं है, घास बन के बैठी है देखो थोड़ा सा मैंने डैमेज दे दिया। ओए भाई ओए भाई, AWM में यहाँ क्या मारी भाई, MA2 भी AWM कुछ मार दी मेरे को। अरे भाई साहब ड्रॉप से कुछ और लूट कर रही है गाइस, ये लड़की हानिकारक है, हानिकारक भी नहीं गाइस, ये लड़की पागल है पागल है पागल है। अरे 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 गाइस ये लंचर मार रही है अरे अरे मार भी थी बंदी ने। अरे भाई बहुत खतरनाक भाई साहब, रुक जा भाई मैंने गलती कर लिया, सो सॉरी। अरे आ गई ये तो गाइस, आ गई ये तो, गुस्से में लग गई है, थोड़ा सा मैंने डैमेज दे दिया। और यहाँ पे बहन की पहली फुर्सत में निकलो, लॉबी में निकल जाओ आप। तो यहाँ पे पूरा ख़त्म कर दिया गाइज। और MA2 भी था इनके पास, MA2 भी मैंने ले लिया। तो गाइज यहाँ तक आप लोग वीडियो को देख ही रहे हो तो गाइज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी ऐड से कर लेना। पीछे से गोली पड़ रही है और ऊपर से भी पड़ रही है, लग रहा था पीछे से पड़ रही है बट ऊपर से भी बंदे मार रहे हैं। एक बंदे को मैंने यहाँ पे डैमेज दे दिया, दूसरे बंदे को भी डैमेज दे दिया काफ़ी, दो शॉट में बंदा ख़त्म हो गया। भाई ये आगे पीछे हो गया बंदा, नॉक आगे पीछे हो गया मेरा जो MA2 भी था उसका, इसको आगे पीछे हुआ पता नहीं चला गाइस। दूसरा बंदा लूट करने के लिए आ रहा था, उसको मारने की कोशिश तो अपन ने किया था बट निकल गया फिर से कवर में बंदा। देखते हैं गाइस यहीं पे होगा, ओह ऊपर जा रहा है भाई साहब। और फिर से थोड़ा सा मतलब मैंने इधर MP5 से मारा, उसके बाद में फिर से स्विच करके जो है गाइस MA2 से बंदे को ख़त्म कर दिया है गाइस। 14 किल टोटल हो चुका है। इस जगह से और जगह जाते हैं जिधर हमको बंदे मिले गाइस ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यहाँ पे गाइस मार्च इलेक्ट्री पे आ गया क्योंकि उधर मेरे को बंदे उतने ज़्यादा नहीं मिले। देखते हैं गाइस यहाँ पे बंदे है कि नहीं कोई भी। अरे कहाँ से पड़ रही है, मेरे को तो कोई भी बंदे नहीं दिख रहे थे पीछे की तरफ, अभी कहाँ से पड़ रही है। ओ भाई ऊपर बैठी हो, रुको रुको। अरे क्या खतरनाक दर्दनाक मार रहे हैं भाई, लड़की आ रही है रश करने के लिए लड़की को तो नॉक कर दिया यहाँ पे भाई। मतलब लड़की भी अलग ही लेवल की है भाई, मतलब थोड़ा सा डैमेज नहीं दिया हुआ है भाई, सीधा भाग रही है, तान दौड़ रही है। दूसरा बंदे को मारने की मैंने कोशिश कर रहा था बट बंदा निकल ही नहीं रहा है। 123 का इधर बंदा को डैमेज दे दिया बंदे, भाई खतरनाक वही में मार रहा है गाइस। तो मैंने डैमेज तो दे दिया, बंदा फिर से कवर में चला गया गाइस अपने आप को हील करने के लिए। यहाँ पे मैं हील कर लेता हूँ। दूसरे बंदे को मैंने जिसको नॉक किया था उसको बचा रहा है बंदा, मार लेते गाइस उसको, नॉक कर दिया फिर से लड़की को, बंदा फिर से कवर में चला गया दूसरा बंदा, इसको 123 का डैमेज दे दिया, फिर से 123 का बंदा नॉक हो चुका है। अब जो है गाइस नीचे का एक ही बंदा बचा हुआ है, मेरे को डाउट है। अरे बचा भी है फिर से वो जाके, अरे भाई साहब इधर तो पूरा बचा, मैं बंदे को मार रहा हूँ और बचा रहा है, फिर मैं मार रहा हूँ फिर बचा रहा है, क्या सीन चल रही है। सामने की तरफ लड़की दिख रही है, अरे ये बंदा तो इधर ही छुपा हुआ था। अरे भाई साहब ये तो कहते छुपा रुस्तम निकला भाई, रुस्तम वाला मतलब अक्षय कुमार निकल गया बंदा। ओ अरे भाई साहब, अरे भाई साहब लैंडमाइन लगा दिया मैंने भाई, बंदा पागल बना रहा है लॉल ये क्या हो गया, ज्यादा जोश में इसीलिए नहीं रहने का चाहिए, मतलब होश में भी रहना चाहिए, ज्यादा जोश में नहीं रहने का। अरे भाई बंदा बहुत खतरनाक मार रहा था, इतना ज़्यादा डैमेज दे रहा था बट
वो जाके गाइस लैंडमाइन में फट के मर गया यहाँ पे। तो गाइस फाइनली एक ही बंदा बचा हुआ है, उसको मारने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में डायमंड्स अर्न करना चाहते हो तो गाइस उसके लिए एक ऐप है जिसका नाम है game.tv, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो गाइस। इस ऐप के अंदर बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं गाइस, वो टूर्नामेंट जीत के आप लोग फ्री में डायमंड्स अर्न कर सकते हो गाइस। एवरी मंथ इस ऐप के अंदर में 4 से 5 लाख डायमंड्स जो है गिव अवे करूंगा, आप लोग जाके ऐप को डाउनलोड कर लो। इस ऐप रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो डिस्कॉर्ड पे, ठीक है, डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लो। सामने की तरफ एक बंदा दिख रहा है और 2 शॉट मैंने मार लिया, इसको टोटल गाइस मेरे को 3 शॉट मारना पड़ा, मतलब 300 का डैमेज देना पड़ा। आई डोंट नो गाइस क्या सीन है। और इसी के साथ गाइस 18 किल के साथ मेरा बुढ़िया हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो ज़्यादा ही पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।